चला जाता हूं मैं, आप सबका स्वागत है। आज हम रात बिताने वाले हैं 140 साल पुराना चर्च कैंपस में। नेक्स्ट दिन फिर से ब्रेकफास्ट करने वाले हैं एक ब्यूटीफुल लोकेशन पर और घूमेंगे एक और वाटरफॉल्स और करेंगे फिशिंग। गुड गुड गुड, दो मछली। देखते रहिए। इस चर्च में आज परमिशन मिल गया हमें रहने के लिए। सो दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग होम। देखिए इन लोग सबको कितना खुश दिख रहा है। घर जाते हुए बच्चे हमेशा वर्ल्ड में हर जगह खुश होते हैं। ये एक कॉमन फीलिंग है हर बंदे का, हमें भी होता था। दे आर लुकिंग वेरी हैप्पी, दे आर लिटिल क्यूरियस अबाउट आवर कार। I am curious about staying over here. This is a beautiful place. Bacche seems to be very interested in hockey. This must be the place who supplies most of the hockey pimbers to the Indian team. Jharkhand is one of the leading state on that. Bahut badhiya, beautiful. Lekin ye kuch ek der mein hi bilkul khali ho jayega. Beautiful Kadaknath chicken. Bunch of Kadaknath chicken. ये हाँ, ये एक नया फल हमने खाया, इसको कुसुम फल बोलते हैं। ये कुछ इमली जैसा, कुछ बेर जैसा और कुछ लीचू जैसा है। ये ऊपर से ये जूस भरा एक पल्प है और अंदर में एक छोटी सी बीज है लीचू जैसा। इसका बीज कुछ इस तरह से आता है। एकदम शांत हो चुका है, देखिए कोई नहीं है। लगभग खाना शुरू कर चुके हैं एंड प्लेन राइस के साथ एक भुर्जी मसाला बनाएंगे। आज मजा आने वाला है। आई एक्चुअली लाइक दिस, एक का डिश मुझे बहुत अच्छा लगता है। उबल आया है, हम ये स्क्रैम्बल्ड एग को डाल देते हैं और इसे थोड़ी सी बॉयल होने के लिए और तरी को एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देते हैं। सो डिनर टाइम, ऑफ कोर्स थोड़ी सी लाइट अभी भी बाकी है लेकिन बड़ी भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख। बहुत शांत एरिया है, डिनर ख़त्म कर लेते हैं। ब्यूटीफुल प्लेस, आई जस्ट लव दिस प्लेस।
हमारे पास तार पवी भी लगी हुई है और कार में बिस्तर लगा चुके हैं। जस्ट वांटेड टू सिट आउटसाइड एंड लुक एट दिस ट्रीज। ओह ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव दिस। Good morning friends, fourth day, beautiful place में कल थे हम लोग एक बहुत ही beautiful चर्च में और आज उसके थोड़े से बाहर पे ही यहाँ पे आके नाश्ता बना रहे हैं। ट्रैवलर्स का एक बहुत बड़ा उपाय या बचने का तरीका है मैगी। कहीं पे भी रहो, कुछ भी करो, मैगी खाओ बस, यू आर गुड। बहुत सारे हवा में भी मैगी बन के तैयार। ये खूबी है कार कैंपिंग का, एक ब्यूटीफुल जगह। यहाँ तो हर जगह अच्छा लग रहा है, कहीं मिल गया कोई ब्यूटीफुल सा जगह और आप बैठ जाओ, यहीं बना लो अपना खाना। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे सब कुछ धो ले। ये स्प्रे बहुत काम का चीज है। अभी हम लोग चलते हैं पेरवा घाग वाटरफॉल्स। मौसम मस्त है, ज्यादा बारिश नहीं है। हम कोशिश करेंगे एक और बहुत फेमस नहीं ऐसा वाटरफॉल्स दिखाने का। बने रहिए।
ये हमारे दाहिने तरफ में झरना गिरता है और ये छोटा सामने में जो पहाड़ है उसके वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम इस जगह में जा सके तो हो सकता है दिख जाए, लेकिन उसके लिए हमें ये नदी क्रॉस करना पड़ेगा, विच इज़ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है फिलहाल, क्योंकि काफ़ी तेज करंट है और बरसात का पानी जो मिट्टी के साथ है वो बह रहा है। नहीं, हम इससे ज़्यादा नहीं जा पाएंगे दूर से ही सही, इसे हमें यहीं से देखने पड़ेंगे। अब प्लान है नहाने का। हमारा तुषार भाई भी कोशिश कर रहा है मछली का जाल फेंकने का। यहाँ पे कुछ लोग जाल फेंक रहे थे, तो देखते हैं भाई साहब कितने मछली पकड़ते हैं। गुड गुड गुड, दो मछली, तीन को देखते थे। क्या बात है, धीरे 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 आराम से पकड़ो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई। एक ये हिलता हुआ, दूसरा दिखाई दे रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, जाके बोले पाले ये जेले माछ। अरे तू तो बड़ा चांद निकला कहाँ छुपा हुआ था। बंदे को चस्का लग गया है फिर से, वो और फेंकने वाला है। यहाँ बड़े खिलाड़ी लोग बैठे हुए हैं, देखता है छोटा खिलाड़ी क्या करता है। तब तक वो दृश्य देखिए कि बंदा कहाँ चढ़ के जा रहा है। अच्छे है एक छोटा सा छोटू लिख रहा है। आप थोड़ा सा इसको ऊपर करो, हम देखें। वाह, बहुत सारा मछली है भाई, बहुत सारा। मुझे भी पता है क्योंकि वो जो पानी आ रहा है ना पूरा हुआ जाके वहाँ लग रहा। कार कैंपिंग में आप अपना घर साथ लाते हो, लगभग घर के साथ बहुत सारा काम भी साथ लाते हो, और उसे करना कोई थकाने वाला काम नहीं होता, बट पसीने वाला काम जरूर होता है। बरसात या गर्मी में आप कैंपिंग हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन में ही करें। हमें 4 दिन के अंदर ही अपना ट्रिप खत्म करना पड़ा, हम सोचे थे बारिश होगा तो ठंडा होगा, ऐसा हुआ नहीं। मिलते हैं फिर एक कहानी के साथ जल्द।